इस वक्त वफाकी हुकूमत का सिर्फ एक बुनियादी एजेंडा है और वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। अब कल किसी ने ये कहा कि पनामा केस एक साजिश थी। अब आप मुझे बताइए कि क्या, और नाम लेके इंस्टीट्यूशंस के, उनके हेड्स के, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, क्या जनरल कवर जावेद बाजवा ने, क्या जनरल फैज ने किसी से कहा था कि वो इंग्लैंड में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स ले? आप मुझे खरीदें, आपको क्या इमरान खान ने, जनरल बाजवा ने, जनरल फैज ने मना किया था कि आप मनी ट्रेल ला दें? ना आपने मनी ट्रेल दी, ना आपके पास मनी ट्रेल है। और ये सारी की सारी डिसइंफॉर्मेशन, मिसलीड करना। लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जस्टिस जावेद इकबाल एक इंडिपेंडेंट आदमी है, कॉलेज रह चुके हैं जस्टिस जमाली के, इनसे पूछे, इंडिपेंडेंट आदमी है, ईमानदार आदमी है, और वो किसी भी तरह इमरान खान साहब का या किसी भी गवर्नमेंट के किसी आदमी का कोई एजेंडा नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई ऐसा केस बनाया जाए। नैब अपने तौर पे खुद केस बनाती है। ये अभी जो जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई, इससे काफ़ी फ़ायदा ख़ास तौर पर नौजवान वकला को होगा। उन्होंने तकारीब सुनी सीनियर जजेस की, सीनियर वकीलों की, और उनके जो भी ज़िंदगी के वाक़ात थे वो सुने, और उनसे वो सबक पढ़ाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि, और इज़्ज़त अफजाई भी हुई यहाँ इस कन्वेंशन में, जिसमें गोल्ड मेडल मुझे भी दिया गया और भी उन लोगों को दिया गया जिनकी खिदमत मुख्तलिफ शोबों में थी। तो मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। जस्टिस हेल्पलाइन के तहत फिफ्थ नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज होटल मैरियट में किया गया। हम शुक्रगुजार हैं सिंध के मुशीर बराए कानून बैरिस्टर मुर्तजा भाब साहब के, जिन्होंने इस तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह किया। हम शुक्रगुजार हैं वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ जनाब बैरिस्टर प्रोफेसर नसीम साहब, जिन्होंने आज की तकरीब और अख्तामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। जस्टिस हेल्पलाइन का मिशन है कि लीगल एजुकेशन को लेकर चले, प्रिजनर्स की मदद के लिए हमारा इदारा काम कर रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जस्टिस हेल्पलाइन अपना पार्ट अदा कर रहा है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की फतह होगी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में बार और बेंच के लिए हम काम करते रहेंगे। जस्टिस हेल्पलाइन का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम को और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हेल्पलाइन कायम करना है। इंशाल्लाह ताला हमारे तमाम मिशन अल्लाह के फजल से पूरे होंगे। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान मीडिया का और फैसल नदीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज हमारे लिए बड़ा फिलैंथ्रोपिस जज्बा किया। और जिन जिन लोगों को आज गोल्ड मेडल मिले उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम 17 अक्टूबर को एट मेरिट होटल में जमा है। ये हमारी एक जुडिशरी कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, ये फिफ्थ जुडिशनल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें माशाल्लाह सारे जजेस, सारे ब्यूरोक्रेट्स, वकील हजरात सारे शरीक होते हैं। और इसमें हम एक अहद करते हैं कि आइंदा हम इंशाल्लाह लॉ के लिए फ़ाइट करेंगे, और जितना हमारा कानून और जितना इंसाफ है इसको हम एक नीचे लेवल पर जाके एक एक आम आदमी तक ये
जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं किस पिछले 15 से 20 साल से, और माशाल्लाह जस्टिस हेल्पलाइन के सरबरा नदीम शेख साहब की काविशें इतनी हैं कि ये हमारे माशाल्लाह 15 साल के दोस्त हैं, और जितना ये काम करते हैं जिस शोबे में जाएँ माशाल्लाह बहुत ऑनेस्ट होकर काम करने हैं, और इन्होंने माशाल्लाह एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करवाई हैं सारी इधर मेरिट में, तो हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज इसी की सरबराही में आज माशाल्लाह गोल्ड मेडल्स मिले हैं सबको, उसमें मेरा नाम भी अल्लाह ताला के हुक्म से इन्होंने नॉमिनेट किया, मुझे खुशी हुई। इसी तरह और भी जो पाकिस्तान में न्यू यंगस्टर लोग हैं जो काम करना चाहते हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला इस चीज़ों से नवाजा जाएगा, क्योंकि इस अप्रिसिएशन से इंसान एक मोटिवेट होता है, और मोटिवेट होकर वो एक माशरे में एक अच्छा इंसान और काम करने की कोशिश करता है। तो ये अच्छा इकदाम है माशाल्लाह, और इसमें मैं तमाम जस्टिस हेल्पलाइन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अवार्ड से नवाजा, और अल्लाह ताला हमारा सबका हामी और नासिर और हमेशा अच्छे काम करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुबारकबाद पेश करता हूँ जस्टिस हेल्पलाइन को और उसकी पूरी टीम को, इसका मैं भी एक मेंबर हूँ, और नदीम शेख साहब की मेहनत है, और आज पांचवा जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है और कामयाब इनेकाद हुआ। इसमें हमारे वफाकी वजीर फरूक नसीम साहब मेहमान खसूसी थे, और सूबाई एडवाइज़र फॉर लॉ मुर्तज़ा वहाब साहब भी तशरीफ़ लाए थे, और जो एक सेमिनार सेशन हुआ एजुकेशनल सेशन वो भी बहुत मुफीद था यंग लॉयर्स के लिए, और आज बेहतर कारकर्दगी वालों को गोल्ड मेडल भी दिया गया। मैं जस्टिस हेल्पलाइन का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे भी गोल्ड मेडल से नवाजा है।